So we were doing entomophily, and entomophily ने one more example, that is pollination in of rice. Of rice is an orchid. और ऑर्किड्स के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं बेटा, अगर आपने देखे हो कभी, तो वो किसी इंसेक्ट से, किसी मॉथ से, ऐसे उनकी मतलब उनकी शेप ऐसी होती है, किसी मॉथ की तरह से, किसी वैक्स की तरह से, इस तरह की शेप है. पर अ फ्राइस एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. इट इज एन ऑर्किड, इट्स फ्लावर्स मिमिक्स द फीमेल वैस्प कॉल्फा ऑरिया. मिमिक्स मतलब उसकी शेप है, फीमेल वैस्प, वैस्प या कॉल्फा ऑरिया, उसकी फीमेल की तरह से ये दिखता है. ठीक है, इट्स ध्यान से समझना है. पहले पॉलिनेटिंग सीजन, मैचेस विद ब्रीडिंग सीजन ऑफ कॉल्फा. उसी टाइम कॉल्फा ने ब्रीड करना है और इसकी पॉलिनेशन होनी. अनदर पॉइंट, जो कॉल्फा लिव्स अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे रहता है, देन क्या दोनों का कैसे रिलेशन है? वेरी इंपॉर्टेंट. सो कम्स अबव ग्राउंड ओनली फॉर ब्रीडिंग. चलिए, देन हाउ इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन. मेल मॉथ कम्स अबव बिफोर फीमेल मॉथ, बिफोर मॉथ कह लो या वैक्स कह लो. मेल्स जो है वो जमीन के ऊपर पहले आ जाते हैं एज कंपेयर टू फीमेल. अब ब्रीडिंग सीजन है, ठीक है, इनके हॉर्मोन या जो भी है वो पूरी हाइट पे है, मैक्सिमम है ब्रीडिंग के लिए. मेल्स ऊपर आ गए, दे आर सर्चिंग फॉर फीमेल फॉर ब्रीडिंग. फीमेल कहाँ, फीमेल कहाँ, फीमेल कहाँ, और फीमेल्स तो है नहीं, फीमेल्स तो ऊपर नहीं है. देखो नेचर ने कितना अच्छा, कैसा दोनों को कंपेटिबल, कैसे दोनों को इंटरडिपेंडेंट बनाया हुआ. तो बट वहां पे बहुत सारे ऑफराइस के फ्लावर्स है, वो पूरे ब्लूम पे है, उनके पोलन ग्रेन मच्योर हो चुके हैं. ठीक है, एंड दे लुक लाइक द फीमेल मॉथ या फीमेल वैक्स, राइट. तो जो है, अब मेल मॉथ को पता नहीं चल रहा है कि ये फ्लावर है, ये फीमेल वैक्स नहीं है. तो इसलिए भव्या इधर ध्यान से, इसलिए जो मेल कॉल्फा है इट विजिट्स सेवरल फ्लावर्स थिंकिंग एज इफ दे आर द फीमेल वैक्स. एक फ्लावर पे, दो फ्लावर पे, तीन पे, हजारों फ्लावर्स पे विजिट करता है एज इफ दे आर द फीमेल वैक्स फॉर ब्रीडिंग. बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज कॉल्ड अ स्यूडो कॉपुलेशन. दिस इज नॉट कॉपुलेशन, दिस इज स्यूडो कॉपुलेशन, राइट. वो बहुत सारे फ्लावर्स पे विजिट करता है, अपनी तरफ से तो ये सोचता है कि ये सब फीमेल वैक्स है, बट इन दिस प्रोसेस इट पॉलिनेट्स या द वैक्स पॉलिनेट्स द ऑफराइस फ्लावर. जब वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे विजिट करते हैं, दे कॉजेस ट्रांसफर ऑफ द यू नो पोलन. और जैसे ही थोड़े टाइम बाद व्हेन द फीमेल वैक्स कम्स अबव ग्राउंड, अप टू दैट टाइम ऑफराइस इज पॉलिनेटेड. मोस्ट ऑफ द ऑफराइस गेट्स पॉलिनेटेड, इज इट ओके. तो वही मैं बता रही हूँ कि मेल मॉथ कम्स अबव ग्राउंड बिफोर फीमेल वैक्स एंड विजिट्स सेवरल ऑफ राइस फ्लावर्स
या हम कहेंगे सपोजिंग देम एज, एज फीमेल वैक्स. द प्रोसेसेस क्या बोलते हैं इसको, स्यूडो कॉपुलेशन. तो बेटा इसमें ऑफ राइस क्या शो कर रहा है, स्यूडो कॉपुलेशन, और फ्लावर क्या शो कर रहे हैं, मिमिक्री. फ्लावर नकल कर रहे हैं और वैक्स क्या कर रहा है, स्यूडो कॉपुलेशन. व्हेन द फीमेल वैक्स, या हम यहाँ पे एक पॉइंट कह सकते हैं, इन दिस प्रोसेस पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लांट ठीक है. When the female wax comes above ground, then maximum of rice plants are pollinated. This method of pollination is called as सेक्सुअल डिसीट. धोखा देते हैं ये फ्लावर्स ने वैक्स को, बेचारा भोला भाला वैक्स है उसको धोखा दिया. राइट, सो दिस इज हाउ द ऑफराइज इज पॉलिनेटेड. अब बेचारा फ्लावर भी क्या करे, बिकॉज ऑफराइज इज टू बी पॉलिनेटेड ओनली बाय कॉल्पा. राइट, एंड कॉल्पा को ऑल्दो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ये फायदा है कि बेचारे जो है जब ब्रीडिंग सीजन में बाहर आते हैं तो वो ये सोच सोच के ही काम किए जा रहे हैं कि हमें फीमेल मिल गई, फीमेल मिल गई, फीमेल मिल गई. ऑल्दो उस टाइम वो फ्लावर्स है वो फीमेल नहीं. इज इट राइट, सो नो डाउट दिस. चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ऑर्निथोफिली एंड कायरोप्टेरोफिली. ऑर्निथोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, एंड कायरोप्टेरोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय बैट्स सच एज, कौन सा एक बैट का नाम है, माइक्रोप्टेरो. बेटे बैट्स दोनों तरह के, वेजिटेरियन बैट्स भी होते हैं, कार्निवोरस या सेंग्विवोरस बैट्स भी होते हैं, बट ओनली वेजिटेरियन बैट जो है दे परफॉर्म पॉलिनेशन, जो प्लांट्स पे फीड करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेरियन बैट. कौन से कायरोप्टेरोफिलस प्लांट्स है या प्लांट्स है, दैट इज एंथोसेफेलस. एंथोसेफेलस को कॉमनली बोलते हैं कदम. पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, बट अगर जो चंडीगढ़ वाले स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी की जो मेन रोड है 14 और 15 वाली सड़क, अगर वहां पे चले जाएं तो वहां पे आपको जो है बहुत बड़े बड़े पत्तों वाला प्लांट मिलेगा. राइट, और उसके जो फ्रूट्स है, बाकी जगह भी होंगे, उसके जो फ्रूट्स है ना वो राउंड राउंड से होते हैं, वो गिरे हुए होते हैं. और हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे और हम मेन रोड पे
तो उससे मेरा मतलब उस टाइम इतना रश भी नहीं था, तो खेलते रहते थे, मतलब पैर से इधर मार लिया उधर मार लिया, छोटी छोटी सी बॉल सी, ग्रीन सी बॉल्स होती है, दैट इज कदम, राइट। अनदर एग्जाम्पल इज काइजेलिया, दीज आर द कॉमन बैड पॉलिनेटेड यू नो प्लांट्स, राइट। दोनों में क्या क्या अडेप्टेशन है, यहाँ पे क्या है, जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स आर कलर्ड एंड हैज, ध्यान से देखो, लेदरी पेटल्स, लेदर की तो नहीं बट उस तरह से थिक पेटल्स होती है, अट्रैक्टिव कलर्स है, देन प्रोड्यूस लॉट ऑफ नेक्टर, मच मोर देन एंटोमोफिलस फ्लावर्स, इतना सारा नेक्टर है, एंटोमोफिलस फ्लावर्स इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स से बहुत ज्यादा होता है, राइट। अनदर इज प्रोड्यूस लॉट ऑफ एडिबल पोलन ऑल्सो टू प्रोवाइड फूड फॉर द बर्ड्स। तो बर्ड्स के लिए क्या क्या प्रोड्यूस, अट्रैक्ट करने के लिए, एक तो क्या कर रहे हैं, दे आर कलर्ड टू अट्रैक्ट द बर्ड्स, सेकेंडली दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ, हम अगर यहाँ पे कहें लॉट ऑफ नेक्टर, लॉट ऑफ अगर यहाँ पे किया जाए वॉटरी नेक्टर, ठीक है जी। और लेदरी पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फ्लावर्स प्रोड्यूस फर्मेंटिंग और फ्रूटी स्मेल, स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि बैड्स जो है वो रात को पॉलिनेशन करेंगे, दिन में तो करेंगे नहीं। फ्लावर्स आर नॉन कलर, कलर तो है नहीं, फिर कैसे अट्रैक्ट होंगे बैट्स, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रूटी स्मेल है, ठीक है। प्रोड्यूस लॉट ऑफ नेक्टर मोर देन ऑर्निथोफिलस फ्लावर, इज इट राइट। यहाँ पे इतने ज्यादा पोलन ग्रेन है नहीं बट नेक्टर बहुत ज्यादा है, तो सबसे नेक्टर कौन कौन प्रोड्यूस करता है, एंटोमोफिलस और निथोफिलस, पायरोपटेरोफिलस और निथोफिलस थोड़ा सा, सॉरी एंटोमोफिलस थोड़ा नेक्टर और निथोफिलस उससे बहुत ज्यादा, और पायरोपटेरोफिलस सबसे ज्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करता है, इज इट ओके। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ऑर्निथोफिली एंड पायरोपटेरोफिली, जल्दी से करोगे। और यहां पे एक पॉइंट और लिख लेना बेटा, नो फ्रेग्रेंस, जो बर्ड से फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट नहीं होते, कलर से अट्रैक्ट होते हैं, फ्लोरल रिवार्ड्स, रिवार्ड्स टू पॉलिनेटिंग बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक मतलब लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है उनको क्या रिवार्ड्स देते हैं, सबसे पहले है वन इज फूड इन फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर, सेकंड नर्सरीज जहां पे उनके बच्चे पलते हैं,
और थर्ड है सेक्स, सेक्सुअल डिसीट आपको पता है, ऑफ राइस पॉलिनेटेड बाय कॉल्फा। नर्सरीज यू नो, यूका, अनदर इज अमॉर्फोफैलस, अनदर इज फाइकस। ये तीन प्लांट्स है, ठीक है, शो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप विद देयर पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स। ऑब्लिगेट मतलब जरूरी, कैसे? दे आर पॉलिनेटेड बाय स्पेसिफिक इंसेक्ट एंड इन टर्न प्रोवाइड नर्सरीज फॉर द लेइंग ऑफ देयर एग्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहते हैं, द इंसेक्ट्स ले एग्स इन द ओवेरियन कैविटी ऑफ स्पेसिफिक फ्लावर्स एंड देयर लार्वा। Feeds on pollens of specific plant. ये मैंने जब आपको करवाया था तब भी बताया था कि यूका जो है इट इज पॉलिनेटेड बाय टेजिटिक्यूला ओनली एंड टेजिटिक्यूला ले एग्स इन द ओवरी ऑफ यूका ओनली। अगर यूका एक्सटिंक्ट हो जाएगा बाय समहाउ, अगर यूका प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो टेजिटिक्यूला भी साथ में ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा क्योंकि वो किसी और फ्लावर के अंदर अपने अंडे नहीं देता। इज इट ओके? दिस इज कॉल्ड एज यू नो को एक्सटिंक्शन हम कह देते हैं, राइट? देन फूड इन द फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर फॉर एग्जाम्पल बर्ड, पॉलिनेटेड फ्लावर, bats pollinated flowers, flowers pollinated by honeybees, flowers की जगह अगर हम कर लें salvia pollinated by honeybees, right? So these are food giving flowers. Is it okay? So these are the rewards टू द पॉलिनेटिंग एजेंट। और एक और साथ में हम बात करेंगे कि यहाँ पे अनदर इज पॉलिनेटिंग एजेंट एंड फ्लावर्स शो को एवोल्यूशन। कैसे? ध्यान से अब ये मेरी बात सुननी है। किसी कारण से फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, पर्टिकुलर इंसेक्ट है, स्पेसिफिक इंसेक्ट हम कहते हैं, उसमें सम हैव स्मॉल प्रोबोसिस। प्रोबोसिस है बेटा उनका माउथ पार्ट जिससे वो नेक्टर सक करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुननी है, ये एग्जाम्पल ऐसा बुक में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं होगी, तो ध्यान से सुन लो। एंड सम हैव लॉन्ग प्रोबोसिस, इनिशियली flowers have
सुपरफिशियल नेक्ट्रिस, ऊपर की तरफ की नेक्ट्रिस, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, ऊपर की तरफ नेक्ट्रिस है, राइट? देयरफॉर बोथ टाइप्स ऑफ एन इंसेक्ट कैन टेक नेक्टर. पर कुछ टाइम बाद ड्यू टू सम म्यूटेशंस, म्यूटेशंस अभी हम जेनेटिक्स में करेंगे, कुछ चेंजेस ऐसे हैं, ड्यू टू म्यूटेशंस नेक्ट्रीज डेवलप डीप इन प्लांट्स, देन ओनली इंसेक्ट्स विद लॉन्ग प्रोबोसिस कैन सर्वाइव. आप देखोगे कि पहले दोनों टाइप के इंसेक्ट्स थे, बट आगे एवोल्यूशन क्या हुई कि नेक्ट्रिस डीप चली गई, तो सिर्फ जिनका लॉन्ग प्रोबोसिस था, जो डीप नेक्ट्रिस तक पहुंच सकते थे, सिर्फ वही इंसेक्ट सर्वाइव कर पाए, बाकी जो स्मॉल प्रोबोसिस वाले थे वो खत्म हो गए. तो हमने क्या देखा, पॉपुलेशन में अगर फ्लावर में चेंज है तो इंसेक्ट में भी चेंज आ रहा है. दिस इज को एवोल्यूशन, इज इट ओके? ठीक है. सो पॉलिनेटिंग एजेंट एज वेल एज फ्लावर्स बोथ शो को एवोल्यूशन, राइट? दोनों एक दूसरे के साथ इवॉल्व करते, इज इट ओके? ठीक है जी, चलो कर लो. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. तो सबसे पहले एडवांटेजेस, ध्यान से आप पेन नीचे रखो, ध्यान से ये पेपर क्वेश्चन में मतलब ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में आ जाता है. फर्स्ट है ओनली मोड ऑफ पॉलिनेशन इन डायोशियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट जहां पे मेल एंड फीमेल अलग अलग है, डायोशियस प्लांट्स. अनदर इज सेल्फ स्टराइल बायसेक्सुअल प्लांट्स, फ्लावर्स बायसेक्सुअल है बट अपने पोलन जर्मिनेट कर ही नहीं सकते. सेल्फ स्टेरिलिटी मीन्स सेल्फ पोलन कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ इट्स ओन फ्लावर. एंड प्री पोटेंट फ्लावर्स, प्री पोटेंट फ्लावर्स का क्या मतलब है बेटा, इन विच फॉरन पोलन ऑफ सेम स्पीशीज, गुआवा के ही पोलन होने चाहिए गुआवा पर, बट दूसरे प्लांट के फॉरन पोलन ऑफ सेम स्पीशीज जर्मिनेट अर्लियर देन द सेल्फ पोलन. तो इट इज ओनली मोड ऑफ पॉलिनेशन, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी. दूसरी बात, क्रॉस पॉलिनेशन प्रोड्यूस वेरिएशन, क्योंकि दो प्लांट्स की अलग अलग कॉम्पोजिशन है जेनेटिक, तो वो जो दोनों जो है जब इकट्ठे मिलकर ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो ऑफस्प्रिंग में दो अलग अलग पेरेंट्स के करेक्टर्स आएंगे, तो वेरिएशंस आएंगे. क्रॉस पॉलिनेशन प्रोड्यूस वेरिएशंस विच हेल्प्स इन
है एवोल्यूशन, नए नए करेक्टर्स प्रोड्यूस होंगे। सेकेंड है हाइब्रिड विगर, और जिसको हम और क्या बोलते हैं, हेटरोसिस। व्हाट इज दिस हाइब्रिड विगर और हेटरोसिस, इन विच द ऑफस्प्रिंग्स आर बेटर देन आइदर ऑफ द पेरेंट्स या बोथ ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि दोनों के करेक्टर्स आगे हैं तो ज्यादा सक्सेसफुल है ऑफस्प्रिंग एज कंपेयर्ड टू द पेरेंट्स, राइट? हाइब्रिड विगर और हेटरोसिस, दैट इज ऑफस्प्रिंग्स आर बेटर अडेप्टेड देन बोथ ऑफ द पेरेंट्स। That is hybrid vigor or heterosis. And then third thing, cross pollination helps in overcoming inbreeding depression. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या चीज है? दैट इज लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन फॉर मेनी जनरेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत जनरेशन तक सेल्फिंग सेल्फिंग, उसी पे ही, उसी के पोलन, उसी का स्टिग्मा, सीड्स बने, हमने सो किए, वो फ्लावर्स आए, फिर सेल्फिंग की, फिर सीड्स बने, फिर सो किए, इस तरह 5-6 जनरेशन चलती जाएगी तो अल्टीमेटली एक जनरेशन ऐसी आएगी वो इनकार कर दे भी हमने नहीं, वो मना करे हमने रिप्रोड्यूस करना ही। वह ये आपको अगले चैप्टर्स में आके पता चलेगा जेनेटिक्स में कि बहुत सारे जीन्स जो है रेगुलर सेल्फिंग से बहुत सारे जीन्स होमोजाइगस फॉर्म में, आई विल टेल यू इन जेनेटिक्स, होमोजाइगस फॉर्म में आ जाती है जिसके कारण हार्मफुल जीन्स है डोमिनेंट फॉर्म में आ जाएंगी। कि भाई वो जब हार्मफुल जीन्स डोमिनेंट में आ जाएंगी तो जो ऑर्गेनिजम्स है वो उनकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो उसको हम कह देते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इसको अगर हमने खत्म करना है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को तो क्या शुरू करना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सो दिस इज द एडवांटेजेस, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो डिसएडवांटेजेस भी किसी चीज की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी क्या है, तो डिसएडवांटेज बेटा मेनली एक है कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये बाई चांस है, इंसेक्ट आया उस फ्लावर पे बैठा, दूसरे सेम फ्लावर पे गया, हवा से पानी से, ये सब बाई चांस फिनोमिना है। देयरफॉर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट हैज टू कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ पोलन, राइट? सो डिसएडवांटेज जो मेन है वो एज इट इज ए by chance phenomena, therefore the plant has to spend lot of energy to produce lot of pollen grains. PG मतलब pollen grains. ये main disadvantage है cross pollination. Is it okay? So these are advantages and disadvantages of cross pollination. Now write it.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। नो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट पोटैटो या ब्रिंजल हम बात कर लें, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, इधर ध्यान देना है इसका, ये दीज आर, पहले यहां देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है बट दे आर सेल्फ स्टराइल। अब क्या है, ये पिस्टिल है और ये इसके अपने स्टेमन्स है, ब्रिंजल के या पोटैटो के। ये डिहाइस हुए, इसके ये पोलन ग्रेन्स निकले। एक ये फ्लावर है, फ्लावर ऑफ ब्रिंजल, ये है वन, ए फ्लावर है या वन, ये अनदर फ्लावर। थोड़ा सा हम दूसरे कलर से बना लें, अदरवाइज है ब्रिंजल ही है। ये भी फ्लावर ऑफ ब्रिंजल बट ये कोई और प्लांट का फ्लावर है, ब्रिंजल का ही है बट किसी और प्लांट का है। अब क्या है यहां पर, एक तो ये वाले पोलन आ गए, दूसरा ये वाले भी पोलन आ रहे, ये वाले पोलन है, दूसरा ये वाले पोलन आ रहे, और तीसरा है पोलन ऑफ नॉन ब्रिंजल प्लांट्स। इसका मतलब है ब्रिंजल के पोलन नहीं है, किसी और प्लांट के है, मे बी कैरेट के, रेडिश के, लेडी फिंगर के, मैंगो के, गुआवा के, ये भी हवा के साथ किसी तरह से ये भी यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, ये बड़े बड़े पोलन है, मैं थोड़ा सा डार्क ऐसे बना देती हूँ। अब क्या हो रहा है कि मेनी पोलन्स, मेनी टाइप्स ऑफ पोलन रीचेस एट स्टिग्मा ऑफ ब्रिंजल प्लांट। अब क्या है, पोलन और स्टिग्मा में बातचीत हो रही है, जिसको हम कहते हैं इंटरेक्शन और डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। बिटवीन यू कैन से बिटवीन केमिकल्स,
ऑफ पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जो केमिकल्स है और पोलन ग्रेन्स के सरफेस पे जो केमिकल्स है, दोनों में बातचीत हो रही है। स्टिग्मा रेकोगनाइजेस द कंपैटिबल पोलन। ओनली इस बातचीत से उसे पता चलता है कि मेरे लिए कंपैटिबल कौन सा है। यहां पे अब आप बताओ कौन से कंपैटिबल है। ये देखो ए है, ये वाले सेल्फ पोलन, बी है रेड पोलन, फॉरेन पोलन ऑफ सेम स्पीशीज, और सी है फॉरेन पोलन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो मुझे एवरीबडी सब मुझे मैसेज करके ये बताओ कि यहाँ पे कंपेटिबल पोलन कौन से है, ए बी की सी। जल्दी से मैसेज करो फटाफट। इस केस में जो पोटैटो है या ब्रिंजल है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है और ये सेल्फ स्टराइल है, तो इसमें जो है पोलन, बेटा ध्यान से सोच के, कि ए पोलन है जो इसके अपने पोलन है, बी पोलन है जो ब्रिंजल के ही पोलन है बट किसी और फ्लावर के है, ठीक है। सी पोलन है कि पोलन ऑफ मैंगो या गुआवा या टोमेटो या पोटैटो या कैरेट, इसके पोलन है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि कौन से कंपैटिबल है जो इस पर पॉलिनेट करेंगे। ध्यान से सोच के, मुझे सिर्फ आंसर दो लोगों के ठीक आए हैं। इट इज ओनली यू नो शिवांशी एंड सरगम के ठीक मिले हैं, बाकी मुझे ठीक नहीं मिले आंसर। टेल मी अगेन, दोबारा से, सेल्फ स्टराइल है ये, हरगुन ने ठीक दिया है। और बताओ भव्य, आप भी, अर्नव आप भी, सेल्फ स्टराइल प्लांट है ये। तो यहाँ पे बेटा सेल्फ स्टराइल का मतलब है अपने पोलन जर्मिनेट नहीं करेंगे, किसी और के, तो मतलब गुआवा ब्रिंजल के पोलन, सॉरी गुआवा के या पोटैटो के या लेडी फिंगर के, वो ब्रिंजल पे कैसे जर्मिनेट कर सकते हैं। आप ये देखो क्या हमारे में, और ध्यान से भव्य देख जरा, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, सी है डिफरेंट स्पीशीज, मतलब ब्रिंजल के ऊपर गुआवा के पोलन आ गए, क्या वो जर्मिनेट करेंगे। अमरूद के पोलन ब्रिंजल पे क्या करेंगे जर्मिनेट करके, ब्रिंजल पे तो ब्रिंजल के ही तो पोलन जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए, अब तो सारे ही हो गए, इट इज बी। अपने कर नहीं सकते क्योंकि ये सेल्फ स्टराइल है, किसी और स्पीशीज के हो ही नहीं सकते। ह्यूमंस की फर्टिलाइजेशन डॉग से, कैट से, गाय से ऐसे थोड़ी हो सकती है। उसके स्पॉर्म्स आर्टिफिशियली भी फ्यूज कराना चाहोगे तब भी नहीं होंगे। लाइक वाइज स्टिग्मा रेकोगनाइजेस द कंपेटिबल पोलन ओनली, राइट। और इन दिस केस में कंपेटिबल कौन से है, फॉरन पोलन ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज मीन ब्रिंजल के ही स्पीशीज किसी और प्लांट के। सिग्मा अलाउज जर्मिनेशन ऑफ कंपैटिबल पोलन बाय प्रोवाइडिंग
water for germination. पोलन की जर्मिनेशन है बेटा, उसको भी पानी चाहिए. तो स्टिग्मा तभी पानी देगा जब उसे पता चलेगा कि ये कंपैटिबल पोलन. पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स फॉर्म्स पोलन ट्यूब दैट comes out to one of germ pools. Contents of pollen grain moves in pollen tube. और उसके बाद मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली सारा दिखाऊंगी, बट अभी ये कि पोलन ट्यूब एंटर्स इन ओवरी एंड देन इन ओवरी. दिस इज पोलन पिस्टन इंटरेक्शन. ठीक है, ये सब डायग्रामेटिकली मैं दिखाऊंगी, पहले आप ये लिख लो. Okay. कि ये बहुत सारे पोलन्स थे, बाकी छोड़ दो, चलो बाकी में बताओ. यहाँ पे नीचे लिखो जर्मिनेशन ऑफ कंपैटिबल पोलन. ऑन स्टिग्मा ये मैंने आपको दिखाया है कि ये क्या है. दिस इज पोलन ट्यूब और आप ये देख रहे हो ये अंदर वाली वॉल लेयर है, उसी की ही एक्सटेंशन है. सो एक्सटेंशन ऑफ इंटाइम ये एक्साइन है और यहां पे जो चीज थी वो थी जर्म पोर. जर्म पोर से पोलन ट्यूब नीचे निकले और पोलन ग्रेन में क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है एंड जनरेटिव सेल है. और मैंने कहा था कंटेंट्स ऑफ द पोलन पोलन गेट शिफ्टेड इन द पोलन ट्यूब. ये ट्यूब न्यूक्लियस आ गया और ये जनरेटिव सेल आ गया. तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है इसमें क्या दिखा रहे हैं, पासिंग ऑफ पोलन ग्रेन कॉन्टेंट्स इन पोलन ट्यूब. यहां पे इस वाले डायग्राम में क्या हुआ है कि जनरेटिव सेल डिवाइड करके माइटोसिस करके दो मेल गैमेट्स बना दी, राइट. एंड देन फिर अभी पहले यहां तक बनाओ, फिर मैं अगला डायग्राम बताती हूँ. So now, what I have told you that यहाँ पे pollen deposit हुआ, उसके बाद उसकी germination हुई, pollen tube grow कर करके ovary ने और फिर ovule के अंदर गई. All these events is called as pollen pistil interaction, right? Then write down one more point. If the style is hollow. If the style is hollow, then the pollen tube easily grows through it. Easily grows through it. Whereas, if the style is solid, then there is present a specialized transmitting or
conducting tissue transmitting or conducting tissue which helps in providing passage to the pollen tube which helps in providing passage to the pollen tube next है after entering in the ovary the pollen tube enters in the ovule either through chalazal end the process is called as mesogamy or through microphyll मैंने यहाँ पे microphyll से ही दिखाया और through microphyll the process is called as porogamy entry of pollen tube in the ovule is by chalazogamy or mesogamy or porogamy बट ये अंडरलाइन करके लिखना बट एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक अकर्स ओनली थ्रू माइक्रोपाइलर एंड कहीं से भी लेट अस से चलाजल एंड से एंटर किया है ये जो है ये आपकी एम्ब्रियो सैक है तो पोलन ट्यूब यहां से ग्रो करके इधर से एंटर करेगी द पोलन ट्यूब मैंने यहाँ पे दोबारा से मैं बता रही हूँ पोलन ट्यूब एंटर्स इन द ओव्यूल आइदर थ्रू चलासा और इंटेग्यूमेंट्स और माइक्रोफाइल बट एंटर्स इन एम्ब्रियो सैक ओनली थ्रू माइक्रोफाइलर फिर एक और पॉइंट लिख लीजिए एडवांटेज ऑफ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या फायदा है क्या जरूरत है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एडवांटेज ऑफ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका क्या फायदा है It helps in preventing germination of incompatible pollen. It helps in preventing germination of incompatible pollen. और हम क्या कह सकते हैं और prevents दूसरी भाषा में है तो सेम ही चीज है और prevents इललेजिटिमेट क्रॉसिंग सो एज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज
पोटैटो में टोमेटो का पोलन जो है वो जर्मिनेट कर जाए, तो क्या बनेगा? जो अल्टीमेट सीड्स बनेंगे ना पोटैटो के बनेंगे ना टोमेटो के, कुछ और ही बन जाएगा। तो इसलिए पोटैटो की स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोटैटो के ही पोलन जो है वो जर्मिनेट हो। उसके लिए पोलन और पिस्टिल आपस में बातचीत करेंगे कि कौन सा पोटैटो का है, उसी को ही रास्ता देगा सिग्मा। ठीक है, सो इट प्रिवेंट्स इनलेजिटिमेट क्रॉसिंग और इट प्रिवेंट्स पॉलिनेशन या जर्मिनेशन ऑफ यू नो नॉन कंपैटिबल पोलन के। इज इट ओके? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देख लो, ये कर लो, ये था यहां तक। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक, राइट? बस आई थिंक वन और टू लेक्चर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस चैप्टर, बट आप ये कर लो, ध्यान से ये समझ लो, कोई डायग्राम रह गया तो वो बनाओ। ओके?